महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर करीब 17 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनकी मांग है कि 2004 से पहले जिस तरह से पेंशन दी जाती थी उसे फिर से लागू किया जाए। मुंबई सहित महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इन कर्मचारियों का कहना है कि पंजाब, राजस्थान और हिमाचल की तरह महाराष्ट्र को भी इस स्कीम को लागू करना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से आमदार खासदार पॉलिटिकल पर्सन को पेंशन दी जाती है, पूरी पेंशन दी जाती है, उसके बाद उनके फैमिलीज को भी फैमिली पेंशन दी जाती है, उसी तरह से सरकारी कर्मचारी को भी पेंशन मिलनी ही चाहिए। ये उनका हक है, ये उनका हक छीनने की सरकार जो कोशिश कर रही है वो पिछले 17 साल से सिर्फ समिति बिठाएंगे, चर्चा करेंगे, इस हिसाब से हमारी पेंशन रोकी गई है। महाराष्ट्र में साल 2005 से ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं। सरकार का मानना है कि पुरानी पेंशन स्कीम का असर सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। काम बंद आंदोलन, इस आंदोलन का परिणाम अत्यावश्यक सेवा पर पड़ा है और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इसका असर पड़ा है। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई मार्ग निकालना चाहिए। कांग्रेस ने तो राजस्थान में दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, हमारे ये छत्तीसगढ़ में दिया है। ऐसा है कि कांग्रेस की भूमिका अलग कुछ होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब एक कर्मचारी रिटायर होते हैं उसके बाद उनकी कठिन जो जीवन है उसका कठिन समस्या उनके लिए निर्माण होती है, उस टाइम स्टेट में हो या सेंट्रल लेवल हो उनके पीछे खड़ा रहना और उनका जीवन सुसह्य करना ही जिम्मेदारी है ही। इस बीच सरकार ने कुछ यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत कर जल्द ही समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया। हम लोग इकट्ठा बैठेंगे और जो भी जिसको हम लोग सुवर्ण मध्य बोलते हैं, तो गोल्डन मीन जिसको बोलते हैं, वो निकालना पड़ेगा, जिसमें उनको भी एश्योरेंस मिले कि उनकी जो अपेक्षा है उस तरह से गवर्नमेंट एश्योर कर रही है। सबके साथ चर्चा हो गई, सब पॉजिटिव चर्चा हो गई, वो पुरानी पेंशन योजना देने के लिए रेडी है। ये कहा है उन्होंने, हाँ रेडी है। उसके लिए वो जो समिति गठन करने वाले हैं, आज या कल उसका नाम भी वो कमेटी का डिक्लेयर करेंगे और उसके बारे में आने वाले 1-2 महीने में उसके बारे में जो पुरानी पेंशन योजना कैसा कैलकुलेट करने वाले है इसके बारे में वो निर्णय लेने वाले हैं। और शासन सकारात्मक है तो क्या उससे शासन से ये पुरानी पेंशन योजना लेना चाहिए। मंगलवार के दिन महाराष्ट्र सरकार ने कुछ यूनियन के नेताओं से बातचीत की, जिसके बाद अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच ही मतभेद देखने मिल रहे हैं। कुछ सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ अब भी प्रदर्शन लगातार जारी रखना चाहते हैं। सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अगर वाकई सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है तो महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होगा इसे लागू करने वाला जहां पर बीजेपी सत्ता में है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुहित मिश्रा, NDTV इंडिया।